प्राइस में मिल जाएगी जो है 2.5 लाख रुपए। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, 2.5 लाख रुपए में आप ये कावासाकी। वीवीआईपी सिंगल डिजिट नंबर 7 लाख रुपए का नंबर 1 लाख। हे गाइस, वेलकम बैक टू द बाइक शॉप रेसिंग यूट्यूब चैनल। तो आज आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ मॉडर्न क्रूजर बाइक फ्रॉम अ जापानीज मैन्युफैक्चरर कावासाकी वल्केन एस। सो इसकी डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग प्राइस क्या होने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ ये व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी लोगों का दोस्त एंड होस्ट मतीन आप सभी लोगों का स्वागत करता है आज के व्लॉग में। सो बिना देर करते हुए लेट्स स्टार्ट इट विद सम सिनेमैटिक शॉट्स। आई होप आप सभी लोगों को सिनेमैटिक्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। आप जैसे हमारे इंस्टाग्राम पेज को प्यार दिखाते हो, सपोर्ट करते हो, वैसे ही सेम हमारे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए, हमारे व्लॉग्स को लाइक कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस मॉडर्न जापानीज क्रूजर कावासाकी वल्केन एस। सो गाइज, इसकी स्पेसिफिकेशन से शुरुआत करूंगा मैं। सो इसमें आपको यहाँ पे एक 649cc का लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन आपको कावासाकी की वल्केन एस में मिल जाता है विद अ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो कि प्रोड्यूस करता है 60 bhp ऑफ मैक्स पावर एंड विद दैट 63 nm का इसमें पीक टॉर्क भी आपको मिल जाता है। सो बात करूंगा फर्दर में। सो यहाँ पे आपको एक टेयर ड्रॉप टैंक इसमें देखने को मिलता है विद अ 14 liters ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड इसका जो माइलेज है इसमें आपको माइलेज मिल जाता है 25 kmpl का इसमें माइलेज मिल जाता है ये मॉडर्न क्रूजर बाइक में कावासाकी की वल्केन एस। बहुत ही ब्यूटीफुल मशीन है, एक्सेलेंट कंडीशन में आपको सामने देखने मिल रही है द बाइक शॉप रेसिंग में। फर्दर में बात करूंगा इसकी स्पेसिफिकेशंस की। सो यहाँ पे आपको फ्रंट में 18 inch के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद सिंगल डिस्क चैनल ABS रेसिंग के। इसमें आपको ब्रेक कैलिबर्स मिल जाते हैं एंड फर्दर में बात करूंगा यहाँ पे फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं एंड इसका जो व्हील बेस है फ्रंट में जो व्हील बेस है 18 इंच अलॉय व्हील्स पे वो है 120/17 एंड जो रेयर की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे तो इसमें आपको भी एक और सिंगल डिस्क चैनल ABS मिल जाता है। सिंगल डिस्क मिलती है रेयर में भी एंड इसका जो अलॉय है इसमें रेयर में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विथ 160/17 का व्हील बेस एंड ओवर ईयर इसका जो मोनोशॉक सस्पेंशन है मोस्टली सब इसे सस्पेंशन बोलते हैं, बैक सीट सस्पेंशन बोलते हैं बट दिस इज द मोनोशॉक सस्पेंशन इन दिस कावासाकी वल्केन एस। तो इसका टोटल वेट 235 kg है एंड फर्दर मैं इसकी बात करता हूँ स्पेसिफिकेशंस में ये कावासाकी वल्केन एस के बारे में। सो ये कावासाकी वल्केन एस 0 to 100 सिर्फ 5.6 seconds में पहुँच जाती है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कावासाकी की वल्केन एस है सो क्विक तो रहेगी। 650cc का इसमें इंजन आपको मिल जाता है सो बहुत ही क्विक है। 5.6 सेकेंड्स में आपको ये 0 to 100 kilometers तक चली जाती है जिसकी जो टॉप स्पीड है वो है 170 kilometers per hour 170 kilometers per hour की ये टॉप स्पीड पे भी जा सकती है। सो स्पेसिफिकेशंस की मैंने आपको इसमें बात कर दिया हूँ कितने लीटर्स का इसमें फ्यूल टैंक है, आपको कितना लीटर्स फ्यूल इसमें रिक्वायर्ड रहता है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ एंड ओवर ईयर ईयर वी हैव द कावासाकी वल्केन एस का अंडर बेली एग्जॉस्ट सिंगल बैरल इसमें अवेलेबल मिलता है एंड अगर आफ्टर मार्केट आप इसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते हो सो दिस इज अ स्टॉक एग्जॉस्ट इन द कावासाकी वल्केन एस। बट आफ्टर मार्केट अगर इसमें आप एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते हो सो ये बहुत लाउड होती है कावासाकी वल्केन एस। तो मैंने इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर दिया हूँ आपसे, फ्रंट अलॉय व्हील्स सारी की सारी डिटेल्स, इसका इंजन, डिस्प्लेसमेंट, सीट हाइट, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया हूँ। सो लेट्स मूव ऑन तो इट्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा आप पहले कावासाकी की ER610 एंड ओल्ड कावासाकी निंजा 650 में आता था सेम एज पर दिस कावासाकी की ये वल्केन एस में भी आपको अवेलेबल मिलता है ये दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मूविंग ऑन टू फर्दर डिटेल्स
ऑफ दिस कावासाकी वोल्केनस। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये कावासाकी वोल्केनस एक डायरेक्ट राइवल है हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट 750 से, जो कम्पीट करती है इंडियन मार्केट में। एंड जो इसका जो राइडिंग पोजिशन है ये बहुत ही लेट बैक पोजिशन है, बहुत ही कंफर्टेबल है व्हेन यू राइड ऑन दिस रोड विद दिस स्लाइटली ह्यूज हैंडल बार्स। बहुत ही अच्छा है इसकी हैंडलिंग एंड इसका जो सीटिंग पोस्चर है, आप इसके रिव्यूज भी पढ़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन पोजिशन है सीटिंग का फॉर द राइडर एंड द पिलियन। पिलियन के लिए थोड़ा सा स्लाइटली छोटा सा है ये सीट जैसा आप यहाँ देख सकते हो, बट दिस इज अ कुशन सीट, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है पिलियन के लिए एंड राइडर के लिए भी कुशन सीट है। सेम कंफर्टेबल बाइक है, कंफर्टेबल क्रूजर है। इसकी डिटेल्स क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो ये 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर बाइक है, 10,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। इसमें एक्सेसरीज क्या क्या इंस्टॉल्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एज यू कैन सी ओवर हियर, इसमें आफ्टर मार्केट ऑक्सिलरी लाइट्स इंस्टॉल्ड है कावासाकी की वोल्केनस में। एंड फर्दर इसमें यहाँ पे इसमें बैक रेस्ट इंस्टॉल्ड है विद अ स्मॉल लगेज रैक ओवर हियर बिहाइंड। सो फुल्ली स्टॉक बाइक है एक्सेप्ट दीज टू एक्सेसरीज। मेन थिंग है वो इसका प्राइस है, मोस्टली आपको ये इंडियन मार्केट में मिल जाती है 765 लाख रुपीज़ में, बट द बाइक शॉप रेसिंग में इसका एक्सक्लूसिव प्राइस है 4.45 लाख रुपीज़ ओनली। एंड लोन भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा फॉर मुंबई पुणे एंड नासिक डॉक्यूमेंट्स के लिए। सो गाइज मैंने आपको इसका प्राइस भी बता दिया हूँ कावासाकी वोल्केनस इसका। सो अगर किसी को भी परचेस करना हो ये कावासाकी वोल्केनस, सो डायरेक्टली हमारे शोरूम पे द बाइक शॉप रेसिंग पे विजिट करना। एंड एक और चीज़ मैं इसका साउंड भी सुना देता हूँ आपको कि इसका साउंड कैसा आता है स्टॉक एग्जॉस्ट में। सो लेट्स हियर इट। एंड गाइज इसमें कलर ऑप्शन भी सेम आता है 2018 के जो कलर ऑप्शन आते थे 2018 टू 2019, उसमें ब्लैक ऑप्शन भी आपको अवेलेबल मिलता था। एंड उसके बाद में आपको कावासाकी ने एक ऑरेंज ऑप्शन कलर ऑप्शन भी दे दिया था, बट वो लेटर ऑन के मॉडल्स में आया, न्यू मॉडल्स में आया। एंड सेम चीज़ जो स्टैंडर्ड चीज़ है इसमें जो ट्राइंगुलर हेडलाइट मिलती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड गाइज इसमें एक और चीज़ यहाँ पे जैसा आप सामने देख सकते हो VVIP सिंगल डिजिट नंबर 7 लाख रुपए का नंबर इसका सिर्फ ये नंबर VVIP सिंगल डिजिट नंबर 7 MH रजिस्टर्ड बाइक है ये कावासाकी की वोल्केनस। एंड ये मॉडर्न क्रूजर बाइक कावासाकी की वोल्केनस आपको द बाइक शॉप रेसिंग प्राइस में मिल जाएगी जो है 2.5 लाख रुपए। यस गाइज यू हर्ड इट राइट, 2.5 लाख रुपए में आप ये कावासाकी की वोल्केनस को अपना बना सकते हो। इजी लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है एट द बाइक शॉप रेसिंग। सो गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपकी फेवरेट क्रूजर बाइक्स कौन सी है। एंड अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो सो उसे एक लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना ये कावासाकी वोल्केनस आपको कैसी लगी। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने लव्ड वन से भी शेयर कर लेना। अरे टिल देन मेहनत अपनी, रहमत उसकी एंड प्यार आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन जय हिंद जय महाराष्ट्र।